बेरोजगारी इस टाइम कहीं नहीं है। कौन बेरोजगार है? 2002 में या 2014 में कांग्रेस आज तक मुसलमान को अनपढ़ रखा है। विपक्ष ने अपनी टेबल तक नहीं लगाई। मोदी आना चाहिए और रहना चाहिए। मोदी हाँ। को आना चाहिए। हाँ। इस बड़े बात का मोदी और योगी दोनों होने चाहिए। हम ये देश के लिए हैं, देश को वोट करने के लिए। सुबह से मतदान जो है वो जारी है, छठे चरण की वोटिंग हो रही है और उसी के बीच में अगर बात करें तो जनता इस बार जो है वो किन मुद्दों के ऊपर जो है वोट कर रही है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी जो है वो दोस्त बने, कभी जो है फिर से दुश्मन बने, कुछ ऐसा दौर जो है अलायंस के बीच में देखने को मिला। जो अपने थे वो बेगाने हुए, जो बेगाने थे वो अपने हुए। इस चीज का हार का सामना करना पड़ेगा या फिर मोदी की सरकार के ऊपर जो लगातार जो है वो आरोप लग रहे हैं ये बोल के कि महंगाई और बेरोजगारी जो है, कौन से मुद्दे हैं अगर उनके ऊपर बात? देखो, महंगाई और बेरोजगारी जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी इस टाइम कहीं नहीं है। कौन बेरोजगार है? यहाँ खड़ा एक आदमी बता दो जो बेरोजगार है, सब कमा रहे हैं। और महंगाई की बात करें कि 2002 में या 2014 में जिस मकान की कीमत 10 लाख थी, आज 50 लाख है। हाँ। तो आप उसको महंगाई नहीं ले रहे हो। हाँ। मतलब 2014 में जो सिलेंडर 400 का था वो अभी भी 400 का चाहिए। हाँ। ये नहीं है। देखिए, हाँ। इस टाइम महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हाँ। खुले में घूम सकती है। हाँ। और हर चीज में उज्ज्वला योजना ले लो, प्रधानमंत्री जन आवास ले लो। हाँ। हर मुसलमानों को, और मुसलमानों की बात करते हैं, ये कांग्रेस आज तक मुसलमान को अनपढ़ रखा है ताकि वो सिर्फ कारीगरी कर सके, कैंची हाथ में ले सके या मैकेनिक का काम कर सके। मुसलमानों को पढ़ाने का कार्य अगर कांग्रेस करती तो मुसलमान आज प्रगति के पथ पे सबसे आगे होता। और देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं, आज के दिन वोटिंग है और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया दबा के वोट दे, विपक्ष ने अपनी टेबल तक नहीं लगाई। जो यहाँ टेबल लगती है पर्चियां लगाने के लिए, विपक्ष ने टेबल भी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हार तो निश्चित है। उस हार में पैसा कौन खर्च करे? टेबल का पैसा झाड़ू देगी या कांग्रेस देगी? हाँ। कौन देगी? इसी को लेकर सबसे बड़ी संशय है। यही सबसे बड़ा जो है वो लड़ाई का विषय बन जाएगा। और 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, चाहे उस टाइम मोदी जी अमित शाह रहे या ना रहे, या हम कार्यकर्ता रहे ना रहे, पर आने वाली पीढ़ी विकसित भारत का दर्शन करने जा रहे हैं। और इसी विकसित भारत को लेकर आज जनता वोट दे रही है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। महिलाओं, आधी आबादी की अगर बात कर जाए, आधी आबादी, आंटी वोट दे दिया किन मुद्दों के ऊपर? वोट दिया है फूल का, को वोट दिया। देखिए तो स्पष्ट तौर पे आंटी ने जो वो बोल दिया है, मुद्दे क्या है अब की बार अगर बात की जाए, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं इस बार जिसमें बड़े बात में? तो मोदी आना चाहिए और रहना चाहिए। मोदी महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, तो उसमें जाने जो महंगाई सबके लिए है, वो तो सबके लिए महंगाई, तनखा बढ़ रही लोगों की, सबके लिए ऐसा कोई नहीं। मोदी आना चाहिए, इस बड़े बात का मोदी और योगी दोनों होने चाहिए। मुद्दे क्या है? 1 करोड़ नौकरियां होती हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है, और ये मुसलमान, एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा करते हैं, तो 14 गुना महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण तो होने ही नहीं दे रहे। उनका तो अपना शीश महल बन रहा है, बाकी जनता जाए भाड़ में। इसीलिए जनता ने नकार दिया, टेबल तक लेके भाग गए, टेबल नहीं लगाया, चुनाव से पहले पराजय स्वीकार कर लिया। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में इस वक्त मौजूद हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र जहां से 2 प्रत्याशी अलायंस से उदित राज और योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी से, और मतदाताओं की अगर आप बात करें तो यहां पे भीड़ जो है वो साफ तौर पे आपको दिखाई दे रही है। लोग घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग जारी है, लेकिन फिर से वही सवाल, इस बार जो है मुद्दे क्या है? हमारा राजस्थान को जो बना ना मुख्यमंत्री, वो खुद मेरा जी जाए मतानू, और होना चाहिए। क्या बात है, मुद्दे क्या है सर इस बार? मुद्दे देखो, ऐसे जो यंगस्टर हैं वो कैपेबल हैं, उनके पास मतलब कि कुछ ना कुछ है, कुछ अपने साथ काम कर रहे हैं। सबसे मुद्दा है कि हमारे देश, कंट्री जो हमारा देश है, ये इलेक्शन ना नाली के लिए, ना सड़क के लिए, ना पानी के लिए, ये हम चाहते हैं हमारे घर में हमारा बाप हो, स्ट्रांग हो। ये मुद्दा देश का, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री स्ट्रांग बने, वो दुनिया सबसे लड़े। हमें ना सफाई के ना हम यहाँ नाली के लिए आए हैं, हम यहाँ देश के लिए आए हैं, देश को वोट करने के लिए, इसलिए हमने मोदी को वोट किया, वोट करने के लिए आए हैं। देखिए तमाम लोग, अंकल जी वोट डाल दिया? हाँ, वोट डालने की जा रहे हैं, जा रहे हैं अभी। क्या मुद्दे हैं इस बार? देखो जी, इस बार ऐसा है कि जो कार्यकर्ता है वो कर ही रहे हैं अपने काम को, वोट भी डल रही है और आगे भी वोटें ऐसे ही डलती रहे। मोदी जी की वोटें ही पड़नी, मोदी जी को ही आना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।